हेलो पेरेंट्स, मैं परीक्षित जुम्मनपुत्रा इस वीक के नए पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एंड आज मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाएं। बिकॉज आप अग्री करेंगे कि आपके बच्चे की मे बी शायद पर्सनल लाइफ हो सकती है या उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, मे बी शायद उसकी सक्सेस हो सकती है या मे बी शायद उसके जीवन के अंदर हैप्पीनेस हो सकती है। उसके जीवन के सारे पहलुओं को टच करता हुआ कोई एक एलिमेंट यदि हो सकता है तो वो है आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस एज अ मदर एज अ फादर हम कौन सी चार मिस्टेक करते हैं जिसके कारण वो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और कौन सी ऐसी पांच स्ट्रेटजीज है जिसको यदि आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपका बच्चा हर एरिया के अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। सो ये वीडियो आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेहद ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। So, दोस्तों सबसे पहले यदि मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूं, चार ऐसी मिस्टेक जो जाने अनजाने में पेरेंट्स करते हैं एंड उसका मे बी शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। सो ज्यादातर पेरेंट्स ही अनजाने में मिस्टेक करते हैं बट उसका जो रिजल्ट आता है वो मम्मी पापा को एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर चारों के चार मिस्टेक को यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो पहली मिस्टेक जो ज्यादातर मम्मी पापा करते हैं एंड दैट इज सजेशन विद फियर। सी फ्रेंड्स, आपके बच्चे को आप सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं तो खाना खा ले वो सजेशन है, बट खाना खा ले वरना तुझे मोबाइल नहीं दूंगी या यूट्यूब करने नहीं दूंगी, वो सजेशन विद फियर है। तू सो जा वो सजेशन है, बट तू नहीं सोएगा तो पुलिस पकड़ जाएगी या कुत्ता काटेगा, उस टाइप के जो हम फियर देते हैं बच्चों को वो काइंड ऑफ वो अच्छी बात नहीं है। तू पढ़ ले वो सजेशन है, बट तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे हॉस्टल में डाल दूंगा या हॉस्टल में डाल दूंगी, वो सजेशन विद फियर है। सो आप कौन सा सजेशन विद फियर देते हैं जाने या अनजाने में, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों ये गलती आज के बाद एज अ मदर एज अ फादर हमें करनी नहीं है, क्योंकि यही गलती बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। नंबर टू एंड दैट इज आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। सर्वे ये कहता है कि जो बच्चा अपने मम्मी पापा को लड़ाई झगड़ा करते हुए या तूतू मैं करते हुए आर्ग्यूमेंट करते हुए अपने डिफरेंस शो करते हुए एग्रेशन के अंदर जब देखते हैं वो बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो बच्चे का दूसरे लोगों के साथ बोलने का जो कम्युनिकेशन है वो कम हो जाता है एंड वो बच्चे का स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है। सो दोस्तों आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए आज के बाद वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो जो आर्ग्यूमेंट है, वो एटलीस्ट बच्चे के सामने तो नहीं होनी चाहिए। अग्री करते हैं यस और नो? सो ये दो मिस्टेक के साथ हम थर्ड मिस्टेक की ओर आगे बढ़े। उससे पहले यदि आप मुझे पर्सनली लाइव मिलना चाहते हैं तो नेक्स्ट आने वाले संडे को मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि मेरा एक लाइव वेबिनार है एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई भी उसका चार्ज नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों के बीच में टीम वर्क यदि डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे को ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं, तो आप और आपके स्पाउस ये वेबिनार को जरूर से अटेंड करें। और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। वीडियो फिनिश होने के बाद आप जरूर से वो मास्टर क्लास के लिए आपका सीट बुक करवाएं। सो नाउ फ्रेंड, थर्ड मिस्टेक की ओर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो दैट इज ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंटिंग। सी, बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चे को चोट ना आए या बच्चे को ज्यादा हर्ट ना हो, पर दोस्तों हर छोटी छोटी बात में यदि हम उसके लिए ओवर केयर करते हैं या ऑलवेज यस पापा या यस मामा बन जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं सॉरी टू से, हम बच्चे को पावरफुल नहीं बनाते जब हम बच्चे को यस कहते हैं। हम बच्चे को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो प्लांट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स को डेवलप नहीं कर पाता। यदि वो प्लांट जिसको बहुत ज्यादा पानी दिया जाए, जिसको जिसके रूट को पानी के लिए अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े तो थोड़ा भी तूफान आएगा वो प्लांट गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सो आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने लाइफ के अंदर स्ट्रगल क्या है, हार्डवर्क क्या है वो दिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड और मे बी शायद दो बच्चे हो उसके कारण बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बट आपका प्रोटेक्टिव होना आपके बच्चे को कैपेबल नहीं बनाता, आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं बनाता। सो क्या आप गलती करते थे ये वाली तो मुझे जरूर से टाइप करके बता सकते हैं। मे बी शायद फोर्थ गलती हो सकती है, दैट इज बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करना, या मे बी शायद बच्चे की कंप्लेन फ्रेंड रिलेटिव या और किसी के बीच में बच्चे की कंप्लेन करना। अभी थोड़े समय पहले मैं वन ऑफ द रिलेटिव के पास वैसे ही गया हुआ था एंड जैसे ही मैं एंटर हुआ, बैठा, बातचीत शुरू की
एंड वो अपने दोनों बच्चों के बारे में मुझे बताते हैं कि देखो ये छोटा बेटा है और ये बहुत ज्यादा शरारती है, किसी के घर में सुनता नहीं है, पूरे दिन धमाल मस्ती करता रहता है, घर के बाहर रहता है। और ये बड़ा है, पूरे दिन घर के अंदर ही रहता है, उसके रूम में ही रहता है, कंप्यूटर पे ही चिपका रहता है, या तो फिर वो उसकी पबजी वगैरह गेम खेलता रहता है। सो आप उनको सुधारने के लिए कुछ कहो। सी फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब वो मम्मी या वो पापा जब अपने बच्चों के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, व्हाट डू यू फील? उस समय पे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होगा? सो सी, गलती किसी से भी हो सकती है जाने अनजाने में, बट उसके बारे में कंप्लेन करके वो बच्चे को कभी भी नहीं सुधारा जा सकता। सो ये मेजर चार मिस्टेक है जो बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। शायद इसमें से यदि कोई एक, दो या मे बी तीन मिस्टेक आप करते हो, तो कौन सी मिस्टेक होती थी, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं। एंड अब आपको कौन सी पांच चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, जिसके कारण आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो सुपर डुपर से भी ऊपर हो जाएगा, वो पांच पावरफुल फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके बच्चे का यदि कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्शन यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक चीज जो सबसे पावरफुल है, एज अ मदर, एज अ फादर मैं कहना चाहता हूं, यूज द पावर ऑफ हग, यूज द पावर ऑफ टच। जब भी आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरे अननोन बच्चे हैं या उनके सामने बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, या घर पे मेहमान आए और बच्चा उनसे बात करने की जगह पर आपके पीछे जाके चिपक के आपको पीछे की ओर छिप जाता है, तो दोस्तों उस समय पे आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यूज द पावर ऑफ हग, नॉट द पावर ऑफ सजेशन। उस समय पे कोई सजेशन ना दे, बट उसके सर पे अब हाथ घुमाना शुरू करे, उसकी पीठ पे हाथ घुमाना शुरू करे, उसको महसूस करवाए कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं। एंड यू विल सी कि विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर टू, मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्पेसिफिकली जब बच्चा रात को सोता है, उस समय पे 10 मिनट 15 मिनट पहले, ज्यादातर हम बच्चों को जब सुलाने के लिए जाते हैं, बच्चे के सर पे और बच्चे की पीठ पे रोज 10 से 15 मिनट आपका हाथ घुमाते रहे, और हाथ घुमाते हुए आप मन ही मन में उनको पॉजिटिव सजेशन देते रहे। सो आपके बच्चे के अंदर जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि बेटा तू कॉन्फिडेंट है, तू बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करता है, तेरा स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वगैरह जो जो भी आप पॉजिटिव चीजें आप बच्चों से चाहते हैं, वो मन ही मन में रिपीट करें। वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट जब आप वो हग के साथ या वो में भी शायद टच के साथ जब आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं, नेक्स्ट 10-15 डेज के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू करेगा। सो दोस्तों, मे बी शायद मोर देन एनी मेडिसिन, मे बी कोई साइकेट्रिक के पास जाए और कोई दवा दे, उससे भी ज्यादा पावरफुल आपका हग है, आपका टच है। सो वो पावर को पॉजिटिवली यूज करना शुरू करें। सो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। सो ये वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग मैं कहना चाहता हूं, एंड दैट इज यूज द पावर ऑफ टीम वर्क। सी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, अब दोनों की एक्सपर्टीज जो है ना, वो अलग अलग चीज वस्तु में है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मेरे बेटे को यदि दौड़ाना हो, भगाना हो, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी या ऐसा कुछ करना हो, तो वो मेरे साथ करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड यदि होमवर्क करना हो या खाना वगैरह कुछ हो, तो वो मम्मी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट? मे बी शायद उसको सुलाते वक्त उसको पापा चाहिए, उठते वक्त यदि मम्मा नहीं होगी तो वो ज्यादातर उठता नहीं है। सो हमने क्या करना शुरू किया कि यदि मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठूंगा, यदि वो मेरे साथ पढ़ना कंफर्टेबल फील नहीं करता, एंड यदि मैं उसको कंपलसरी पढ़ाने के लिए बैठूं या मैं उसको फोर्सफुली पढ़ाने के लिए बैठूं, तो दोस्तों सॉरी टू से, मुझे वो गुस्सा करना ही पड़ेगा। उसके कारण बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। एंड यदि मेघा उसको लेकर ग्राउंड में चली जाएगी या उसको दौड़ाने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए लेकर चली जाएगी, तो वो जो तरीके से दौड़ता है, जिस तरीके से वो, जो स्पीड से वो दौड़ता है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाती, एंड उसको भी गुस्सा करना पड़ेगा। सो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, आप दोनों साथ में बैठे, बच्चा कौन से काम आपको उससे करवाना चाहते हैं, एंड वो काम आपसे ज्यादा कंफर्टेबली करता है या वो स्पाउस से ज्यादा कंफर्टेबली करता है, उसका एक लिस्ट बनाए। एंड दोस्तों, मे बी शायद बीइंग अ मदर, आप यदि पढ़ाते हैं और आपको यदि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, वो आपको पढ़ाना जरूरी नहीं है, वो आपके हस्बैंड उसके अंदर आप उसकी हेल्प कर देंगे, राइट? सो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एक
टच का हमें इस्तेमाल करना है, हग का हमें इस्तेमाल करना है, नंबर टू टीम वर्क का इस्तेमाल करना है। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ आज ही ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर से ये लिस्ट बनाएं, कौन से काम में पापा कंफर्टेबल है, कौन से काम में मामा कंफर्टेबल है, स्ट्रेस लेकर नहीं हैप्पीनेस के साथ करना शुरू करें। एंड यू विल सी कि बच्चा स्टडी के अंदर भी कॉन्फिडेंट होगा एंड फिजिकल एक्टिविटी के अंदर भी कॉन्फिडेंट होगा। सो आज के बाद यदि आप टीम वर्क करने वाले हैं तो TW जरूर से कमेंट के अंदर मुझे टाइप करके बताएं। और दोस्तों मे भी शायद आपको लगता है कि आपके बच्चे का स्टडी के अंदर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, मे भी शायद उसका मेमोरी पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक फ्री वेबिनार है कॉल्ड एंजॉय योर एग्जाम्स। सो आपके बच्चे की स्टडी के लिए, एग्जाम के प्रेशर को दूर करने के लिए ये वेबिनार है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है एंड उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने रखी हुई है। इन केस यदि आपका बच्चा टीनेज में है एंड स्टडी से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रहा है तो ये वेबिनार आपके बच्चे के साथ जरूर से अटेंड करें। सो ये वेबिनार डेफिनेटली आपके बच्चे के स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी पावर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सुनाओ दोस्तों थर्ड थिंग एंड दैट इज बच्चे को हमेशा कुछ नया करने के लिए हमें प्रेरित करना है। सी फ्रेंड्स, जब तक बच्चा कुछ नया नहीं करेगा तब तक उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता। जो रूटीन के अंदर है, मे बी वो लिखना, उसका रूटीन के अंदर जो पढ़ना है वो यदि एज इट इज चलता रहा तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप छोटे थे, मैं छोटा था, हम जब खेलते थे क्या आप अग्री करते थे, अग्री करते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया खेलते थे, हर रोज या हर घंटे के अंदर कोई नई गेम होती थी, कोई दोस्त मिल जाए तो ये गेम की शुरुआत होती थी और 5-10 दोस्त आ जाए तो शायद वो गेम को ही हम बदल देते थे। कुछ ना कुछ नया हमने हमारे बचपन के अंदर बहुत ज्यादा किया हुआ है, शायद वो रोड साइड खेलना हो सकता है, पेड़ पे चढ़ना हो सकता है, दोस्तों के साथ धमाल मस्ती करना हो सकता है, गेम के नियम अपने हिसाब से बदलना हो सकता है, ऐसी कितनी सारी चीजें हमने नहीं करी हैं। पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आज, क्योंकि वो महंगी स्कूल एंड महंगे ट्यूशन के प्रेशर के अंदर हम बच्चों को डाल देते हैं, संभव बच्चों को कुछ अपने तरीके से करने का, कुछ नया ट्राई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। सो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपका बच्चा कुछ नया काम करता है, मे बी शायद कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी जो रूटीन में करता है, उसे कोई एक चीज रोज बच्चा नहीं करनी चाहिए। एंड जब आपका बच्चा वो एक चीज नहीं करता है, उसके दिमाग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो क्या आज से आप आपके बच्चे को वो कुछ नई चीज करने के लिए प्रेरित करेंगे? एंड हाँ, मैं कहना चाहता हूं, जब बच्चा कुछ ना कुछ नया करेगा तो कुछ ना कुछ नई गलती भी होगी, वो गलती का स्वीकार हमें करना है, तो ही बच्चा फ्रीली वो क्रिएटिव माइंड को वो यूज कर पाएगा। अग्री करते हैं? देन आफ्टर दोस्तों सी, आपके बच्चे को जब आप एडवाइस दे देते हैं या मे बी शायद सजेशन दे देते हैं, उसके लिए आपके बच्चे को कभी भी सोचना नहीं पड़ता। बट जब आप एडवाइस की जगह पर जब आप ऑप्शन देते हैं तो उस समय पे बच्चे के दिमाग को यूज करना पड़ता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बेटा अभी छोटा है, 5 साल का भी होने वाला है, बट लास्ट हम तकरीबन 3 साल का हुआ, 3-3.5 साल का, तब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर बात के अंदर उसको ऑप्शन दे। सो मे बी शायद सुबह में उठने के बाद आधा पौना ग्लास वो पानी पीता है और उसके इमीडिएटली बाद में विटामिन सी के लिए हमने हैबिट रखी हुई है, सो मे बी मौसम्बी जूस या मे बी नींबू जूस। तो जैसे उसको उठाता हूँ मैं, उसको पानी देता हूँ, वो पानी जैसे ही फिनिश करता है, आई विल आस्क कि बेटा आदि, आपको नींबू जूस पीना है या आपको मौसम्बी जूस पीना है? सो वो दो में से वो एक ऑप्शन चूज करता है, राइट? या मे बी कई बार उसको टमाटर का जूस पीने की इच्छा होती है, सो मे बी शायद वो सजेस्ट करेगा, बट मैं बोलूं कि मौसम्बी का जूस पी ले या मे बी शायद मैं बोलूं कि नींबू का जूस पी ले, ऐसा नहीं। दोस्तों हम 2 या 3 कन्वीनियंट ऑप्शन उनको दे जो उनको चूज करने का मौका दे। एंड दोस्तों जब वो हर छोटी छोटी चॉइस को बच्चा खुद करना शुरू करता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है एंड वो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस उसके पर्सनल एंड उसके प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आज के बाद एडवाइस नहीं, ऑप्शन देना है। और ये टेक्निक आपको कैसी लगी मैं चाहता हूं कि आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आज के बाद हम अब बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की शुरुआत करें, बिकॉज इट इज सेड साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। सो आपके बच्चे के मन को यदि आप पावरफुल बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो आपके बच्चा
रोज 1 घंटा मिनिमम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। सो मे बी उसका गार्डन में दौड़ना हो सकता है, तकिया फाइटिंग करना हो सकता है, मे बी शायद बैडमिंटन या टेनिस खेलना हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, स्केटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, जो भी पसंद हो वो एटलीस्ट हम उसके साथ करने की शुरुआत करें। मे बी शायद वो अकेला अपने दोस्तों के साथ करे, मे बी आप उसके साथ करें, बट डेली बेसिस पे जितना ज्यादा वो फिजिकली एक्टिव होगा उतना स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये 5 की 5 टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड दोस्तों, ऐसे 400 से ज्यादा वीडियोस पेरेंटिंग के ऊपर एंड आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मेरी चैनल के ऊपर है। दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो रहा है तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसे 400 से ज्यादा वीडियोज है जो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड मे बी शायद बच्चे की टीवी मोबाइल की आदत को दूर करने को लेकर, बच्चे को पढ़ाने को लेकर, बच्चे के गुस्सा को दूर करने को लेकर ऐसे काफी सारे नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड वो सारे के सारे वीडियोस देखें, आपके बच्चे को बेहतर भविष्य दे एंड आप हैप्पी बने, आपके बच्चे हैप्पी बने, वैसी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।